बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हमारा ये इस मुताले पाकिस्तान का लास्ट लेक्चर है, लास्ट लेक्चर। इसमें हम दो टॉपिक्स देखेंगे और साथ एक्सरसाइज देखेंगे। पाकिस्तान में ख्वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए हुकूमती सतह पर क्या इकदाम की गई हैं, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ख्वातीन के तहफ्फुज और उनको बाइख्तियार बनाने में हुकूमत क्या किरदार अदा कर रही है। इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन है, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन 4 होगा। ये पाकिस्तान में ख्वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए हुकूमती सतह पर इकदाम, ये आपको एक्सरसाइज में भी दोबारा बता दूंगी, यहाँ तक आएगा इसमें। लेकिन कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो भी करेंगे और एक्सरसाइज भी हम मुकम्मल इसमें कर लेंगे। आइए स्टार्ट लेते हैं। ममलकत खुदादाद पाकिस्तान का वजूद नफाज इस्लाम के लिए अमल में लाया गया। यहाँ औरतों में तशद्दुद और उनके बुनियादी हकूक के तहफ्फुज के लिए कुरान सुन्नत की रोशनी में कई कवानीन तश्कील दिए गए। इनमें आयली कवानीन 1961 के बाद कवानीन जो कि कुरान सुन्नत के मुताबिक हैं, इनसे हकूक निस्वा को तहफ्फुज हासिल हुआ। अब औरतों में मुजालिम उनके हकूक गसब करने से मुतल्लिक असम्बली और सेनेट ने तरमीमी बिल भी मंजूर किया। पाकिस्तान में औरतों पर तशद्दुद के खात्मे के लिए हुकूमती इकदामात को ज़िल में बयान किया गया है, उनमें नंबर 1 पे क्या था? पंजाब में कम उम्र की शादी पर पाबंदी का एक्ट। पहले यह था कि छोटी उम्र के ही बच्चों की शादियां कर दी जाती थी, जिससे बाद में बहुत सारे नुकसान का सामना करना पड़ता था। तो इसमें यह हुआ कि पंजाब ने यह एक्ट पास किया 2015 में, गवर्नमेंट ने यह एक्ट पास किया 2015 में कि कम उम्र की जो शादी होगी उस पर पाबंदी लगाई जाएगी, और अगर उसको उस पर अमल नहीं किया जाएगा तो उनको भारी जुर्माना भी हो सकता है और कैद भी। अब पाकिस्तान में कम उम्र की शादी का रिवाज आम है। पंजाब में शादी की कानूनी उम्र लड़कियों के लिए 16 साल और लड़कों के लिए 18 साल मुकर्रर की है। पंजाब की सूबाई असम्बली ने 2015 में शादी एक्ट में तरमीम की है कि अगर वालदैन निकाह रजिस्ट्रार या यूनियन कौंसिल का अमला 16 साल से कम उम्र लड़कियों और 18 साल से कम उम्र लड़कियों की शादी करवाता है तो तब क्या होगा, उनको कैद और भारी जुर्माने की सजा दी जाएगी। ये था कि पाकिस्तान में ख्वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए हुकूमती सतह पर इकदाम नंबर 1 के पंजाब में कम उम्र की शादी पर पाबंदी का एक्ट 2015 यानी उस पर पाबंदी लगा दी गई। अब दूसरा था हुकूमत पंजाब का तहफ़ निस्वा एक्ट, यानी हुकूमत तहफ़ निस्वा औरतों के तहफ़ के लिए जो एक्ट पेश किया गया 2015 में था, वो देखते हैं क्या था। दो ख़वातीन को तहफ़ फ्राहम करने के लिए 24 फरवरी 2016 में पंजाब हुकूमत ने पंजाब तहफ़ निस्वा एक्ट मंजूर किया। ये एक्ट उन ख़वातीन को इंसाफ तहफ़ और इमदाद मुहैया करता है जो तशद्दुद का शिकार हो होती हैं। ये एक्ट तशद्दुद ज़दा मुतासिरा ख़वातीन को मुख्तलिफ जराइम से तहफ़्फ़ुज़ देकर इंसाफ फराहम करता है, जैसे तशद्दुद के इजहार, घरेलू बदसलूकी, जज्बाती और नफ्सियाती बेहूदगी, मुआशी तंगी, पीछा करना और साइबर क्राइम्स वगैरह, ये वाले तशद्दुद शामिल हैं। तो इनके लिए ये जो एक्ट है, इस एक्ट के थ्रू ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। नेक्स्ट है ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज और इनको बाइख्तियार बनाने में हुकूमती किरदार। पाकिस्तान में बहुत सी ख्वातीन तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती क्योंकि उन्हें नाइंसाफी के खिलाफ कोई मुआशरती इमदाद मुयसर नहीं होती, या उनके पास हेल्प नहीं होती, या उनके पास इतना स्टेमिना नहीं होता कि वो किसी के खिलाफ खड़ी हो सकें, तो इसलिए वो अमूमन आवाज़ नहीं उठाती। इस बात को ज़हन में रखते हुए सूबाई हुकूमत ने सूबे में ज़िले सतह पर इंसदाद तशद्दुद मराकज बराए ख़वातीन कायम किए हैं। ये मराकज सुबह से शाम तक खुले रहते हैं और वहाँ का तमाम अमला ख़वातीन पर मुश्तमिल है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और उनको बाइख्तियार बनाने में हुकूमत ने दर्जल इकदाम किए। पॉइंट 1, ज़िले सतह पर कायम इंसदाद तशद्दुद मराकज बराए ख़वातीन में तशद्दुद से मुतासरा ख़वातीन को पुलिस तक रसाई हासिल है, यानी वो अपने मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए ख़वातीन तक रसाई हासिल कर सकती हैं। इस मराकज़ के थ्रू उन्हें यह रसाई प्रोवाइड की जाती है। पॉइंट 2, तशद्दुद से मुतासरा खातून के पसमानदगान को ज़रूरत पड़ने पर तभी कानूनी और नफ्सियाती इमदाद मुहैया की जाती है, इस तरह उनको पनागाहें भी मुयस्सर हैं, क्लियर, के रहने के लिए ठिकाना। पॉइंट 3, अगर किसी मरकज़ में उन्हें कोई मुश्किल पेश आती है तो मुहाफिज टीमों से राबता कर सकते हैं जिनके सरबराह ज़िले तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन अफ़ीसर्स
ख़वातीन अफ़ीसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट विमन प्रोटेक्शन ऑफिसर DWPO। पॉइंट फोर, ख़वातीन ही ज़िले तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन कमेटियों का हिस्सा हैं, यानी वहाँ मेल हज़रात नहीं है, ख़वातीन को ही रखा हुआ है जो ख़वातीन को तशद्दुद से बचाने के लिए किसी जगह भी दाखिल हो सकती हैं, यानी उन्हें परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई मुतासरा ख़वातीन कोई कॉन्टेक्ट करती है तो यही ख़वातीन जाकर उन्हें उनसे प्रोटेक्ट करती हैं। पॉइंट फाइव, मुतासरा ख़वातीन अगर सेंटर नहीं आ सकती तो उसके लिए टोल फ्री नंबर कायम किए गए ताकि वो फ़ोन के ज़रिए मालूमात और इमदाद हासिल कर सकें। ये टोल फ्री नंबर पहले से कायम शुदा टोल फ्री नंबर 1043 के अलावा है, जहाँ ख़वातीन तशद्दुद के खिलाफ शिकायत कर सकती हैं। हर औरत अपने मोबाइल फ़ोन या लैंड लाइन नंबर से हेल्पलाइन को कॉल कर सकती है। हेल्पलाइन ऑपरेटर्स ख़वातीन की शिकायत के अंदराज की मालूमात वगैरह फराहम करते हैं और उनका राबता ज़िले तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन अफ़ीसर्स या मुकामी पुलिस स्टेशन और दीगर ज़िले हुकूमती हकाम से करवाते हैं। SMS नंबर 8787 के ज़रिए भी पुलिस से राबता किया जा सकता है। क्लियर हुआ कि हेल्पलाइन के थ्रू भी कर सकते हैं आप राबता उनको, टोल फ्री नंबर 1043 पर भी, और इसके अलावा SMS भी कर सकते हैं 8787 पर। पाकिस्तान ने 1973 के आइन के मुताबिक तमाम इंसानों को आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का हक दिया हासिल है ताकि वो मुआशरे के आज़ाद और बराबर के शहरी बन सकें। जब तक ख़वातीन अदम सवात और जुल्म का शिकार रहें वो अपना जायज़ मुकाम हासिल नहीं कर सकती। ख़वातीन के जराइम के खिलाफ खामोशी बेशुमार मुजालिम का सबक बनती है। हर पाकिस्तान के शहरी पर यह फ़र्ज़ आयद होता है कि वह तशद्दुद का शिकार ख़वातीन की इमदाद करे और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत से ताउन करे। ऐसे शहरियों की भी हिफाजत की जाए जो तशद्दुद का शिकार ख़वातीन के मुकदमात को मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाते हैं। क्लियर हुआ कि ऐसे शहरियों को भी प्रोटेक्शन दी जाए जो जो इस तरह की जो मुतासरा ख़वातीन होती हैं उनके मुकदमात को मुतल्लिका हुकाम तक पहुंचाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये देखकर कि ये लोग इन्हें हेल्प आउट करें तो उन्हीं लोगों को ही नुकसान पहुंचाया जाए, ऐसा नहीं, उन्हें भी प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए। हम जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाकर ही अपने मुआशरे को तरक्की याफ्ता और खुशहाल बना सकते हैं। एक इंसाफ पर मबनी और खुशहाल मुआशरा ही अमर और मोहब्बत का गहवारा बन सकता है। अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के अफाकी मंशूर 1948 में मर्दों और औरतों के मुसावी हकूक की बात की गई। 1979 को अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ख़वातीन के खिलाफ इम्तियाजी सलूक की तमाम इकसाम के खात्मे के कन्वेंशन को मंजूर किया गया। क्लियर, अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। आप इसको टिक करेंगे, सर्कल कर लेंगे आप इस पर दुरुस्त जवाब का निशान, यानी टिक करेंगे इस तरह से। अरब मुआशरे में इस्लाम से पहले दौरे जहलियत में लड़की को जिंदा दफन कर देते थे, जिंदा दफन कर देते थे। इस्लाम दीन फितरत है जिसकी तालीमात के मुताबिक बुनियादी हकूक के लिहाज से सब इंसान बराबर हैं, सब इंसान बराबर हैं। कायदे आजम के कदम ब कदम तहरीक पाकिस्तान में शामिल है मोहतरमा फातिमा जिनाह, मोहतरमा फातिमा जिना लाखों पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में तब्दीली लाने में मसरूफ़ अमल हैं। मोहतरमा बल्कीस ईदी, मोहतरमा बल्कीस ईदी, पंजाब में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र है 16 साल, 16 साल। ख़वातीन तशद्दुद के खिलाफ किस नंबर पर शिकायत कर सकती हैं? 1043। पंजाब हुकूमत ने पंजाब तहफ़्फ़ुज़ नस्वां एक्ट मंजूर किया 24 फरवरी 2016। क्वेश्चन टू, खाली जगह पूर्व करें। ऐ लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया। पॉइंट टू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। पॉइंट थ्री, पाकिस्तान की पहली खातून अव्वल बेगम राना लियाकत अली, बेगम राना लियाकत अली। पॉइंट फोर, समीना बेग पाकिस्तान की पहली खातून है जो केटू पहाड़ सर कर चुकी हैं, समीना बेग। SMS नंबर डैश के जरिए भी आप औरतों से तशद्दुद की इतलाह कर सकते हैं 8787।
बेटा ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 मुख्तसर सवालात हैं, ये सारे के सारे सवालात हल लेक्चर के लास्ट में मिल जाएंगे आपको, आप उनसे वहाँ से देख के रिटर्न फॉर्म में लिखे हुए होंगे, अटैच होंगे लेक्चर के एंड में, आप वहाँ से देख के उसको नोट कर लेंगे अपने नोट्स पे। और इसके बाद आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुरान सुन्नत की रोशनी में इसमें देखेंगे, पहला क्वेश्चन नंबरिंग दे लेंगे 1, 2, 3, 4, कुरान सुन्नत की रोशनी में इस्लाम में औरत के हकूक बयान करें। इसका आंसर है यहाँ से लेके ये पूरा टॉपिक आ जाएगा इसके अंदर, यहाँ से लेके ये सारा आएगा इसमें, यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लियर। लॉन्ग क्वेश्चन 2 देखिए, तहरीक पाकिस्तान में औरत के किरदार पर बहस करें, तहरीक पाकिस्तान में औरत के किरदार पर बहस करें, इसमें आंसर आएगा यहाँ से, तहरीक पाकिस्तान में ख्वातीन का किरदार, यहाँ से लेके ये सारा टॉपिक आएगा इसमें, यहाँ तक रुकावटों के बावजूद अहम किरदार निभाए तक, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर। क्वेश्चन है पाकिस्तान की तरक्की में ख्वातीन के किरदार पर बहस करें, इसका आंसर देखेंगे, इसके आंसर में यह टॉपिक आएगा, क्या मैं पाकिस्तान 1947 से अहद हाजिर तक कौमी तरक्की में ख्वातीन की खिदमत, यानी आपका क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन 3 यह आएगा इसमें, क्लियर। इसमें यह आपका पूरा टॉपिक यहाँ से लेके यह आपका आ जाएगा यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 3 है यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन। लास्ट में है आपका क्वेश्चन 4, पाकिस्तान में नुस्वानी तशद्दुद के खात्मे के लिए हुकूमती इकदामात पर रोशनी डालने, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन 4 का आंसर यहाँ से आएगा, ये वाला टॉपिक पाकिस्तान में ख्वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए हुकूमती सतह पर इकदामात, यह आ जाएगा इसके अंदर, और ये यहाँ से लेके ये वाला टॉपिक भी इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा, ख्वातीन के तहफ्फुज़ इनको बाहितर बनाने में हुकूमती किरदार, यहाँ से लेके ये आपका आंसर यहाँ तक होगा, बल्कि ये यहाँ तक होगा, यहाँ तक आपका आंसर है, क्लियर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको कि कौन किस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से लेके कहाँ तक है, इसको बच्चों याद कीजिएगा, लर्न कीजिएगा अच्छे से, जो इसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हुए वो भी आपके साथ लास्ट में अटैच कर दिए जाएंगे, टॉपिक से रिलेवेंट वो भी आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा। यह था आपका लास्ट लेक्चर, अगर कोई परेशानी हो कमी बेशी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, फिर मिल अब आप अपना ख्याल रखिएगा, इसको याद कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।